हेलो फ्रेंड्स, वेब दुनिया के ब्रांड न्यू शो टॉक ऑन टेक में आपका स्वागत है। हमें बड़ा गुस्सा आता है जब आपका शानदार चलने वाला वाईफाई अचानक से बंद हो जाए। वैसे इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और बहुत सी कंपनियों का आजकल कंपटीशन लगा हुआ है कि हमारा वाईफाई सबसे ज्यादा स्पीड देता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कभी कभी आपकी खुद की गलतियों की वजह से आपका वाईफाई स्लो हो जाता है और आज हम आपको बताने वाले कुछ टिप्स जिससे आप अपने वाईफाई की स्पीड में सुधार कर सकते हैं। राउटर जमीन पर कभी ना रखें, क्योंकि राउटर को सिग्नल नीचे से ही मिलते हैं। जमीन पर राउटर रखने से सिग्नल आपके गैजेट्स पर जाने की बजाय जमीन पर चले जाते हैं और हम बैठे बैठे परेशान होते रहते हैं। दूसरा टिप है, वाईफाई की कम स्पीड मिलने पर ये जो आप राउटर की तरफ दौड़ते हैं और पास में खड़े होकर डिवाइस चलाते हैं, तो ये गलत फहमी से बाहर आ जाइए। राउटर के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रखने से सिग्नल कमजोर हो जाते हैं, इसलिए टेलीविजन सेट, किचन अप्लायंसेस, कंप्यूटर के पास राउटर कभी ना रखें। राउटर को साफ रखना भी बेहद जरूरी है। इसे धूल, मिट्टी, पानी और कई सारे डैमेज से बचाने के लिए किसी बंद जगह पर बिल्कुल ना रखें। इससे राउटर के सिग्नल्स बंद हो जाएंगे और वो आपकी परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। आप सीधे तरीके से राउटर को किसी ऊंची जगह पर रखकर इन परेशानियों से बच सकते हैं। सबसे जरूरी और आखिरी बात, अगर आपके मॉडम में दो एंटीना है तो ये अच्छे से चेक कर लें कि एक सीधा रहे और दूसरा बाई तरफ से हॉरिजॉन्टल मुड़ा रहे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ जरूरी टिप्स जिससे आप राउटर की स्पीड में सुधार कर सकते हैं और बड़े ही मजे से इंटरनेट का आनंद उठा सकते हैं।